गुड मॉर्निंग आशीष देखिए फेड चेयर ने अपना जो स्क्रिप्ट लिखी थी छह महीने पहले वही फिर से पढ़ दी उन्होंने डेटा में कुछ बदलाव भी नहीं हो गया कोई जल्दी नहीं है मुझे हाँ। जब समय आएगा तो करूंगा अगर बहुत जल्दी कर दिया तो फिर से इन्फ्लेशन को दो परसेंट पर की तरफ लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो उन्होंने अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को सुना दिया उन्होंने और ये भी एक मतलब संकेत अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी रेट कट की उम्मीद ना रखें hmm. जून से पहले तो बिल्कुल मत रखें लेकिन एक गुगली दी उन्होंने hmm. और वो मार्केट को पसंद आई पॉजिटिव थी वो गुगली ये थी कि आपको याद होगा लास्ट ईयर जुलाई के आसपास उन्होंने एक प्लान ये रखा था कि hmm. जो टॉप आठ बैंक हैं और रीजनल बैंक बहुत परेशान थे तो उन्होंने कहा था कि आगे जाते हुए रियल एस्टेट कमर्शियल में बहुत डिफॉल्ट आ सकता है तो उसके लिए कैपिटल रखना पड़ेगा आपको अपने पास जिसको आप मोटे तौर तो पर समझ सी आर आर टाइप भी समझ लीजिए आप उन्नीस परसेंट तक इंक्रीज करने की बात कही थी उन्होंने कहा उस पूरे प्लान को मैं खत्म कर दूंगा तो सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ गई यानी रेट नहीं कम होगा लेकिन ब्याज दरें घट सकती हैं जो करना था करने की जरूरत नहीं है तो पैसा जैसे अपने आप बार बार भारत में भी कहा जा रहा है कि आरबीआई भले ही ना रेट कम करे लेकिन ब्याज दरें अपने आप नीचे आ जाए क्योंकि लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही है इसीलिए कल आप देखिए बॉन्ड यील्ड गिरी तेजी से डॉलर वीक हुआ है तो ये जो गुगली उन्होंने दी मार्केट को बहुत पसंद आया और इसीलिए कल मार्केट में तेजी बनी अदरवाइज कोई रीजन नहीं था पुरानी टेक्स्ट बुक की वाली स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने सुना दी लेकिन मार्केट ने कल इसको बहुत पॉजिटिव लिया ये एक अच्छा कदम था साथ ही एक और चीज की गई एक छोटा बैंक था न्यूयॉर्क का बैंक जो था रीजनल बैंक उसमें एक बिलियन डॉलर का फंड इन्फ्यूज किया गया है उसकी वजह से भी बहुत पॉजिटिव है क्योंकि वो कमर्शियल रियल एस्टेट का लेंडर है और वो फंस जाता है अगर पैसा नहीं मिलता उसको तो तो ये जो दो कदम उन्होंने बताए इससे मार्केट को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मार्केट ने तेजी एक दिखाई फिर भी डे हाई को होल्ड नहीं कर पाया एस नीचे आके बंद हुआ पॉजिटिव बंद हुआ अच्छा बंद हुआ लेकिन डे हाई को नहीं ले पाया जबकि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही थी तो ये फेड चेयर की जो टेस्टिमनी थी उसके अंदर की बातें हैं लेकिन इसी बीच गोल्ड ने फिर से न्यू हाई लगा दिया ये एक कंसर्न बन रहा है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब वो इक्कीस सौ डॉलर उसने टच किया है ये हाई है अपने आप में अभी भी उसी के आसपास पास अड़तालीस के आसपास ट्रेड करता हुआ डॉलर इंडेक्स वीक हुआ एक सौ तीन के आसपास आगे तीन चार हफ्तों की तो मोटे तौर पर अगर आप समझना चाहें तो पॉजिटिव संकेत ले सकते हैं क्योंकि दो स्टेप उनकी इकोनॉमी के लिए हैं बहुत अच्छे हैं तीसरा जॉब ओपनिंग का भी एक डेटा है प्राइवेट कंपनीज़ के जॉब हैं वो रोबस्ट आए है, हैं अच्छे आए हैं लेकिन उतना नहीं आया जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था साथ ही जो ओवरऑल ओपनिंग्स होती है उसमें छब्बीस हज़ार का नंबर घट गया है तो थोड़ा पॉजिटिव आप लेके चल सकते हैं डेटा

आरबीआई के सामने भी यही चैलेंज आठ परसेंट की ग्रोथ आप लेके बैठे उन्होंने कल बोल दिया एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में अपन, अपना अपना रिवाइज कर लिया उन्होंने दो परसेंट जब बीट हुआ तो रिवाइज कर लिया तो फिर रेट कट की तो भूल जाओ आप इंडिया में भी हाँ चलिए ये कहानी है ग्लोब की इक्विटीज में थ्रस्ट बढ़िया है चाहे चेयर कुछ कहें मोमेंटम इंटैक्ट है अच्छी खबर ये है कल का निफ्टी स्क्रीनस पे रखिएगा वोलेटाइल हो रहा है बाजार बुलसन बीएस के टसल होगी लेकिन की डिफाइनिंग लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है 22200 बहुत तगड़े पुट राइटर्स का जोन वहीं आके थमे और वहीं से घूमे इनफैक्ट कल सुबह 7:00 बजे कमेंट्री क्या थी गिरावट में खरीदारी करनी है 22260 से 210 के जोन पे अगर मिले तो खरीदिएगा चाहे तो ऊपर 438 से 488 पे बुक करिएगा